भी स्टूडेंट बीएफए प्रैक्टिकल के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं उनको खास मेन पॉइंट में बताना चाहता हूँ। प्रैक्टिकल के लिए कंपल्सरी चीजों को ध्यान रखें, पहला एनाटॉमिक्स को ध्यान रखें, कंपोजिशन को ध्यान रखें, कलर लेयरिंग को भी ध्यान रखें। जितना प्रभावशाली आपके कंपोजिशंस होगा, एनाटॉमिक्स होगा, कलर होगा, उतना अच्छा मार्क्स आपको मिलेंगे, ये सही से समझ लीजिए। आप अपने वर्क को किसी भी अच्छे खासे कंपोजिशन से मेजर जरूर करिए कि उस वर्क में और मेरे वर्क में डिफरेंस क्या है। यदि मुझे उस तरह का प्रभाव देना है तो मुझे किन किन बातों का ध्यान देना है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। यदि आप रियली में सच में बेहतर तरीके से आप चाहते हैं कि वर्क अच्छा हो तो रियली में आपको सीरियसली आपको जो है ध्यान देना होगा, क्योंकि ध्यान रखें छोटी छोटी चीजों को, यही चीजें जो है आपको बेटर बनाती हैं। यदि आपने स्केचिंग को मतलब एनाटॉमिक्स में दिक्कत आ रही है तो एनाटॉमी स्ट्रक्चर है उनके नियम को समझें कि बॉडी पार्ट यदि बैठे अवस्था में किस अवस्था में होती है, खड़े अवस्था में किस अवस्था में होती है, कोई चीज एक्शन कर रहा है, कुछ एक्टिविटी कर रहा है, या पर्सपेक्टिव बेस्ड ह्यूमन फिगर है ऊपर नीचे से तो वो कैसे हो सकता है। तो पर्सपेक्टिव भी मैंने बात रखी तो उस बेस पे ध्यान रखें, और साथ में ये भी ध्यान दें कि आप यदि कंपोज कर रहे हैं तो उसके चारों तरफ बैकग्राउंड और प्लस ऑब्जेक्ट ड्राइंग दोनों को कंबाइंड करके समझें। इसके अलावा जो कलर टोन्स है जिसमें अच्छा कलर प्रयोग करना बहुत जरूरी है, अच्छा कलर प्रयोग करेंगे तो अच्छा प्रभाव देंगे। अच्छे कलर में सबसे जरूरी बात होती है कि आप अच्छा ब्रश क्या यूज करें, और जितनी रेपिटेशन करेंगे, सबसे मेन बात बोलना हम जितना रिपीट करेंगे उतना बेटर करेंगे। यदि आप रियली में कंपोजिशन में वीक हैं तो आप अच्छे खासे कंपोज को उठाइए, उसको कई बार रिपीट करिए, कम से कम दो चीज को उठाइए, और दो चीज को आप कहाँ कहाँ अलग अलग वीक में दिखा सकते हैं, अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं, चाहे सब्जी मार्केट की बात करें कि ऊपर से व्यू हो या दाएं से व्यू हो, या फिर उस ऑब्जेक्ट को उठा के कहां कहां पर क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। यदि ये सब बदलाव करके आप बेस्ट कर पा रहे हैं तो रियली में आप अच्छा कर पाएंगे। ये जो लोग बेसिक हैं, जो जिनका प्रैक्टिकल डाउन है उनके लिए मैं बताया। मुझे आशा है कि ये जो प्रैक्टिकल वाली जो मैंने बात बताई है, तैयारी करने के लिए जो बात बताई है, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। कितना अच्छा लगा कमेंट में जरूर लिखेगा, और आप लोग क्या क्या प्रॉब्लम होती है यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो उस पर भी मैं वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा।